लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो रिक्वेस्टेड वीडियो है। वैसे तो मेरे को इस्टो मच वीडियो का आया था कि आप जो महिषासुर मर्दिनी माता रानी जो महिषासुर का वध किया था उसमें आप वीडियो बनाएं, पर मैं वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसा मेरे साथ जो मेरा साथ दे वीडियो पर। तो मैंने बोला क्यों ना मैं दुर्गा मेकअप, जो दुर्गा पूजा के लिए मेकअप किया जाता है वो वाला लुक क्रिएट करूं, तो कोशिश कर रही हूँ। वैसे मुझसे बनता नहीं, आप लोगों को पता है कि मैं मेकअप करने में बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं फाइनल लुक कैसा होता है और जो भी है आपके सामने दिखेगा। तो चलो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और वीडियो में बताना कमेंट्स करके आप लोगों को कैसा लगा। और अगर जो मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसमें मेरे आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। वैसे तो मेरे वीडियो यानी ब्लॉग आते हैं डेली, जो मेरी लाइफ रहती है वही मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ, पर कभी कभी बीच बीच में ये थोड़ा न्यू या रिक्वेस्टेड जो वीडियो आ जाती है तो वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा बन जाएगा, मेरे को अच्छा लगेगा तो ही करूँगी मैं। क्या भाई ये तुम्हें अच्छा लगेगा? और मेरे मेकअप में ना श्रेया मेरा साथ दे रही है। अभी मैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि यहाँ पर पंखा नहीं है, तो पहले मैं जूड़ा बांध ले रही हूँ, उसके बाद मेकअप करती हूँ। और मेरे पास ऐसे मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं हैं कि आप लोग सोचो कुछ मेरे पास हैं, पर नहीं है मेरे पास कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स। ऐसे थोड़े से जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं तो उसी में मैं मेकअप क्रिएट करूँगी। तो अभी मैंने जूड़ा बांध लिया है और मैं निकाल लेती हूँ बेबी, और अब करते हैं शुरुआत। तो किस चीज़ में? सबसे पहले ना ही मेरे पास टोनर है और ना ही मेरे पास गुलाब जल है, क्योंकि गुलाब जल था तो वो गिर गया। तो देखते हैं कैसे कर पाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फैन लवली। शुरुआत तो मेकअप की फैन लवली से हो रही है, तो मैं डॉट डॉट करके नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही हाथों में लेके लगा ले रही हूँ। थोड़ा सा मसाज कर लूँगी, ज़्यादा मसाज नहीं करूँगी, यानी इस तरीके से लगाऊंगी कि पूरे चेहरे में अच्छे तरीके से लग जाए। थोड़ा सा गर्दन में भी लगा लूँगी बस। और इसके बाद मैं लगाऊँगी फाउंडेशन, जो कि मेरे पास है वही मैं लगाऊँगी। और आप देख सकते हो फाउंडेशन मेरे पास ये वाला है, और बस इसको फाउंडेशन को मैं डॉट डॉट करके लगाऊंगी। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, थोड़ा सा हाथ में निकाल लिया है और ऐसे करके मैं डॉट डॉट करके लगा लूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है कम प्रोडक्ट्स में कैसे मेकअप किया जाता है। तो आप लोगों को, वैसे तो सभी के पास आजकल मेकअप प्रोडक्ट्स रहते हैं, पर मैंने कैसे मैनेज किया है आप लोग देख सकते हो, और फाइनल लुक भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं मेकअप कर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा था वैसे ये मेकअप क्रिएट करने में, मुझे करीब 2 घंटे लग गए जब जाके मैं रेडी हो पाई थी। तो इस तरीके से मैंने फाउंडेशन बस लगा लिया है, और मैं जो पाउडर रहता है कॉम्पैक्ट पाउडर वो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना ज़्यादा वाइटनेस लगता है। कई बार मैं लगा चुकी हूँ, इसलिए मैं इस बार अवॉइड कर रही हूँ, नहीं लगा रही हूँ। जो पाउडर रहता है ना आई शैडो पैलेट के साथ भी मिलता है, फेस पाउडर कहते हैं, तो वो मैं नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिंक है, थोड़ा सा रेड है, तो ये इसको रानी कलर कहेंगे, कौन सा कलर मुझे इतना आ नहीं रहा है। तो इस कलर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये लगा रही हूँ पलकों में, पलकों के ऊपर। और यहाँ पर मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। आईब्रो मैं वैसे फिल करती नहीं हूँ, पर जब भी मेकअप करती हूँ तो आईब्रो जो फिल करती हूँ, इसलिए क्योंकि फाउंडेशन लगा लेते हैं पाउडर लग जाता है, तो इस कारण वो आईब्रो दिखती नहीं है। और मेरी आईब्रो इतनी ब्लैक नहीं है, थोड़ी सी ऐसे ही है, दिखती नहीं है ज़्यादा, तो मेरे को फिल करना पड़ा। तो आप देख सकते हो इसमें जो आईज़ मेकअप रहता है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है,
करीब यानी आईज मेकअप में ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि ना थोड़ा सी मस्कारा वगैरह आईलाइनर लगाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो थोड़ा सा भी लगा इधर उधर और पूरा मेकअप ख़राब हुआ। तो यहाँ पर जो आईब्रो के बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं जो कई लोग हाइलाइटर लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर ये वाइट कलर का वो जो आई शेडो पैलेट में था वो लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर आईलाइनर लगा रही हूँ। बस थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ ना तो पूरा यानी आईज का जो मेकअप है दोबारा करना पड़ेगा और ब्लैक ब्लैक हो जाता है। मेरे पास वाटरप्रूफ नहीं है, लैक्मी कंपनी का आईलाइनर है तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए आप इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर जो आईलाइनर था वो मैंने आंखों के नीचे यानी काजल की जगह में भी लगा लिया है, काजल यानी जो पलकों के नीचे लगाया है। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर काजल, आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा फैल गया था ना तो उसको मेरे को छुटाना पड़ा, तो कॉटन की सहायता से मैं छुटा रही हूँ। अब ये इसमें थोड़ा सा वही वाइट कलर का है जो उसके नीचे लगा ले रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा थोड़ा हाईलाइट देखिए हमारी आंखों का जो मेकअप है, और काजल भी लग गया है मेरा, आप लोग देख सकते हो आईज मेकअप फाइनल हो ही चुका है। जल्दी से मैं नहीं कर सकती, मैं जब भी काजल लगाती हूँ तो मेरी अजीब सी आँखें दिखने लगती हैं, और ये सब अब कर रही हूँ, देख रही हूँ, बनता तो है नहीं पर कोशिश कर रही हूँ। आंखें कितनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं पूरी, और आप खोला और अब मुझे क्या लगाना है। आईज मेकअप तो हो गया, हाँ ये है मस्कारा, मस्कारा भूल गई थी तो मस्कारा लगा लेती हूँ। ये मेरे पास जो भी है वही मैं यूज़ कर रही हूँ, मस्कारा। मेरे पास नकली पलके नहीं है, मस्कारा लगा के अपन पलके बनाते हैं। श्रेया बहुत दिन से लगी हुई थी मम्मी मेकअप करूँ ना, मम्मी वाला मेकअप करूँ ना, टाइम लगेगा यार, कुछ का कुछ बन जाऊंगी नहीं तो मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई है लिपस्टिक की बारी, तो यहाँ पर मैं पहले आउटलाइन कर ले रही हूँ, आउटलाइन मेरे पास यही था तो मैं यही यूज कर रही हूँ, रेड लिपस्टिक लगाऊंगी। और मैंने आप सबसे पूछा था तब जाके मैंने इसको क्रिएट किया है, इस वीडियो को बनाया है। बहुत लोगों ने बोला था हाँ दीदी आप मेकअप करो, हाँ सिस्टर आप मेकअप करो, तो मैंने बोला चलो अब आप लोगों ने मंजूरी दे दी है तो क्यों ना करते हैं। पहले मैंने पूछ लिया था कि आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं, तो बहुत लोगों ने हाँ कर दिया था, तो मैंने बोली चलो कर लेते हैं मेकअप। तो मेकअप आईज का हो गया, लिपस्टिक लगा लिया है, मैं कुछ कान में पहनूंगी और
मेरा मेकअप हो चुका है, बस मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ। मैंने इयररिंग भी डाली है, नथ भी पहन ली है, और मैंने जो यानी हाथों की रिंग है वो भी पहन ली है, और पैरों में भी अच्छी रिंग पहने हुए हैं जो टॉय रिंग होते हैं, और पायल भी पहन ली है। बस अब मुझे आलता पैरों में लगाना है और हाथों में, आप लोग देख सकते हो ये सेट मुझे श्रेया ने बना के दिया है चूड़ियों का, और एक कंगन पहनूंगी मैं तो अच्छा लगेगा हाथ में। तो ये देखिए आप, इस तरीके से मैंने पहन लिए हैं वो कंगन, और तो देखिए ये अब मैं यहाँ पर आलता लगा रही हूँ। थोड़ा सा हमारे यहाँ हल्दी लगाते हैं, यानी खाली महावर नहीं लगाते हैं, तो मैं थोड़ा सा हल्दी लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आलता लगाऊँगी। फ्रेंड्स बताना कैसी लग रही हूँ मैं, अब मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, ये देखो। तो ये मैंने हाथों में आलता भी लगा लिया है, और ये है, और ये चूड़ियाँ पहनी है। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और बस मुझसे जैसा बना मैंने वैसे मेकअप क्रिएट किया, यानी वैसे ही कर लिया, और बताना। और फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।